हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम गार्ड लाइट। सो ये है मर्सिडीज बेंज ई क्लास, एंड ई क्लास के इंडिया में बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और ये न्यू ई क्लास है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लॉन्ग व्हील बेस मिलता है, जो पहले आपको मिलता था शॉर्ट व्हील बेस एंड लॉन्ग व्हील बेस, अब वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो काफ़ी सारे यहाँ पे वेरिएंट्स ऑफर करे जा रहे हैं। पेट्रोल में आपको 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, डीजल में 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। पेट्रोल में गाइज यहाँ पे अवेलेबल है E200 एक्सप्रेशन, E200 एक्सक्लूसिव थोड़ा ऊपर वाला वेरिएंट है, उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। एंड साथ में यहाँ पे E53 AMG 4MATIC प्लस अवेलेबल है और E63S 4MATIC प्लस अवेलेबल है, विच इज़ AMG ट्रिम। सो पेट्रोल में आपको 2 AMG ट्रिम मिलते हैं, 2 स्टैंडर्ड ट्रिम मिलते हैं, और जो AMG ट्रिम है ई क्लास का वो आप देख सकते हैं, दैट इज़ द AMG ट्रिम। सो दैट इज़ E53 4MATIC AMG। एंड डीजल की बात करें तो यहाँ पे आपको E220D एक्सप्रेशन मिलेगा, E220D एक्सक्लूसिव मिलेगा, विच इज़ अगेन बेस एंड टॉप एंड ट्रिम। सो ई क्लास में आपको पेट्रोल में 2 AMG ट्रिम मिलते हैं, डीजल में सिंगल AMG ट्रिम मिलेगा। दिस इज स्टैंडर्ड ई क्लास। इसमें AMG ट्रिम से कहीं थोड़े बहुत फीचर एक्स्ट्रा दिए गए हैं, स्पेशली इन द रियर सीट्स, बिकॉज ये एग्जीक्यूटिव कार है, रियर सीट्स के लिए ही बनी है ये। सो बेसिकली ये है ई क्लास का बेस ट्रिम, विच इज़ एक्सप्रेशन ट्रिम। सो हम शेयर करने वाले इसका मोस्ट डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। और यहाँ पे आपको इंटीरियर के भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, दिस इज द ब्लैक इंटीरियर कार, जो ब्लैक एंड बेज इंटीरियर कार है उसके हम जो वॉक अराउंड है वो हम बाद में अक्सर शेयर करेंगे। सो राइट ऑफ फ्रंट गाइस आपको कुछ ऐसे हेडलैम्प मिल जाते हैं, दीज आर सुप्रीमली पावरफुल LED हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प। जो यहाँ पे अपर हेडलैम्प दिए गए हैं दे आर फॉर लो बीम, लोअर हेडलैम्प आपको मिलते हैं फॉर हाई बीम, एंड दे आर वेरी पावरफुल। अडैप्टिव हेडलैम्प दिए गए हैं, ऑटोमेटिकली जो आगे आने वाली रोड्स होंगे उनको ये स्कैन कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, उस हिसाब से जो हेडलैम्प है वो एडजस्ट हो जाते हैं। देन वी हैव गॉट दिस ग्रिल, सो काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे आपको ग्रिल ऑफर करी जा रही है। यहाँ पे लोअर एंड पे देखेंगे तो काफ़ी क्रोम का यूज़ करा गया है। फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग सेंसर दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड फर्दर मोर गाइज ये है साइड प्रोफाइल, सो यू कैन सी द लेंथ ऑफ द कार, बहुत ही यहाँ पे वाइड कार आपको मिलती है, जिसे मिनी एस क्लास भी कह सकते हैं। फीचर्स एंड कम्फर्ट इस लेवल का यहाँ पे अवेलेबल है। एंड देन नेक्स्ट अप यहाँ पे कुछ ऐसे आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, 5-spoke अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, एंड दे आर लुकिंग अमेजिंग। डायमंड कट अलॉयज मिलते हैं, एंड दीज आर 17 inches अलॉयज, 225x55 सेक्शन टायर। और ये है विंग मिरर, सो विंग मिरर ये आपको नॉर्मल विंग मिरर नहीं मिलता, दिस इज़ ऑटो डिमिंग विंग मिरर। सो फॉर एग्जाम्पल पीछे से कोई कार आ रही है जिसकी हाई बीम ऑन है तो यहाँ पे मिरर में रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ में जनरली लगेगी, लेकिन ये जो मिरर है उस हेडलैम्प की बीम को ऑटोमेटिकली डिम कर देंगे ताकि आपकी जो ड्राइविंग है वो हैसल फ्री हो सके। देन दिस इज़ द कॉन्वेक्स ग्लास, जो कि आपको वाइडर व्यू ऑफर करेगा, इसके नीचे आपको यहाँ पे पेडल लैम्प भी मिल जाता है। एंड विंडो फ्रेम के पास भी आप देख सकते हैं ब्रश्ड एल्युमिनियम और सिल्वर फिनिश, एंड दिस इज़ पैनोरामिक सनरूफ, एंड दिस इज़ द रियर प्रोफाइल। और यहाँ पे आप फ्यूलिड देखेंगे तो ये डीजल वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको एड ब्लू भी मिल जाता है, यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। और ये है कार की रियर प्रोफाइल। सो रियर में आप देखेंगे तो ऑल अराउंड सेंसर्स अवेलेबल है, इवन इस साइड भी आपको सेंसर्स मिल जाते हैं ताकि कार आपकी सेफेस्ट पोजिशन में रहे। एंड दीज आर LED टेल लैम्प, एंड टेल लैम्प आर लुकिंग स्टनिंग। यहाँ पे E220D की बैजिंग, विच मीन्स इट्स अ डीजल। एंड देन यहाँ पे हम अगर इसको प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसे हम टेल गेट ओपन कर सकते हैं। ये जो कैमरा है, जैसे ही आप रिवर्स गियर स्लॉट करेंगे तो कैमरा पॉप आउट हो जाता है। यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, एंड दिस इज़ नॉर्मल रिफ्लेक्टर। और ये है टोटल कार्गो एरिया, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बूट लैम्प ऑफ वगैरह जा रहा है, दिस इज़ द स्पेयर टायर, विच इज़ टेम्परेरी स्पेयर टायर। सो सफिशेंट अमाउंट ऑफ यहाँ पे कार्गो एरिया अवेलेबल है। सो इस ट्रिम में आपको बेसिकली रिक्लाइनेबल सीट्स मिलती है, तो सीट्स को हम यहाँ से बूट से डाउन नहीं कर सकते, लेकिन AMG ट्रिम में हम जो सीट्स है वो भी हम डाउन कर सकते हैं फ्रॉम द बूट इटसेल्फ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्विन एग्जॉस्ट टेल पाइप, यहाँ पे स्टाइलिंग दी गई है, एग्जॉस्ट पाइप एक्चुअल में आपको यहाँ पे मिलती है, बट AMG ट्रिम्स में आपको यहाँ पे क्वाड एग्जॉस्ट टेल पाइप्स मिल जाती हैं। एंड दिस इज़ द साइड प्रोफाइल। एंड गाइस अब बात करते हैं ऑनरोड प्राइस के बारे में, कुछ और फीचर्स के बारे में, एंड सो ऑन। उससे पहले गाइस बात करते हैं सबसे पहले हम इंजन ऑप्शन के बारे में। सो वैसे तो ई क्लास आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शन ऑफर कर देती है, बट अभी हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड ई क्लास के बारे में, क्योंकि उसी का हम वॉक अराउंड यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। सो फर्स्टली हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलते हैं, यू कैन सी द साइज ऑफ द इंजन। बहुत सारे यहाँ पे साउंड डेडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है, जो हीट इंसुलेटेड मटेरियल्स यानी कि हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है। इंजन इज सुपर साइलेंट, सुपर रिफाइंड। सो फर्स्ट इंजन इज 2 liter टर्बोचार्ज 4-cylinder डीजल इंजन, पावर है 192 bhp की, टॉर्क आपको मिलेगा 400 Nm का। यहाँ पे 9-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है, माइलेज इज 18 km/l, 0-100 इज इन जस्ट 7.6 seconds, एंड टॉप स्पीड इज 240 km/h।
एंड सेकेंड इंजन इज 2 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, ये जनरेट करता है 194 bhp ऑफ पावर एंड 320 nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है। क्लेम माइलेज इज 14.1 km/h, 0 to 100 इज इन जस्ट 7.6 seconds एंड टॉप स्पीड इज 240 km/h। एंड गाइज अब बात करते हैं अदर फीचर्स के बारे में, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में एंड ऑन रोड प्राइस के बारे में। एंड दिस इज द एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट ऑफ ई क्लास पेट्रोल एंड डीजल। सो ये है एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट। और ई क्लास में ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हैं, बट इस मॉडल में आपको एयर सस्पेंशन नहीं मिलता। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एक्टिव पार्क असिस्ट अवेलेबल है विद पार्ट्रॉनिक, यानी कि सेमी ऑटोनॉमस पैरेलल पार्किंग सिस्टम। देन रियर कैमरा मिल जाता है, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर्स, प्री सेफ सिस्टम जिसमें आपको सेमी एयर बैग, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। और यहाँ पे 6 कलर ऑप्शन की चॉइस मिल जाती है, विच आर वाइट, ब्लैक, मोहावे सिल्वर, हाईटेक सिल्वर, ग्रे एंड रेड कलर। सो गाइज अब बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में। ई क्लास में बेस्ट प्लेस इज रियर सीट्स, बट पहले हम फ्रंट सीट्स के बारे में बात कर लेंगे। सो इजी इंग्रेस एंड एग्रेस यहाँ पे आपको मिल जाता है, नो डाउट। फ्रंट में यहाँ पे 4-way लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट दी गई है। अगर हाइट ज़्यादा है आपकी तो यहाँ पे कुशन एक्सटेंशन आपको मिल जाता है, जो कि मैनुअल दिया गया है बिकॉज इट्स अ बेस ट्रिम। सो आप यहाँ पे कुशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो फ्रंट सीट्स आर सुप्रीमली कंफर्टेबल, एक्सलेंट यहाँ पे आपको ड्राइविंग पोस्चर मिल जाता है। इवन जब हम कार को ड्राइव करेंगे तो समवर्ड जो बोनट है आप देख सकते हैं वो भी विजिबल रहेगा। एंड जो फ्रंट सीट्स है बहुत ही एक्सलेंट तरीके से होल्ड करके रखती है। बिग साइज यहाँ पे साइड बॉक्सेस अवेलेबल है। सो फ्रंट सीट्स यहाँ पे सुप्रीमली कंफर्टेबल ऑफर करी गई। अब बात करते हैं रियर सीट्स के बारे में। एंड यहाँ पे सॉफ्ट डोर क्लोज भी अवेलेबल है। सो इफ वी लीव द डोर लाइक दिस तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाता है। एंड रियर सीट इज द प्लेस टू बी इन। एंड बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट रिक्लाइनेबल सीट्स अवेलेबल है, बहुत ही सॉफ्ट आपको कुशन मिलता है। एंड यहाँ पे इन सीट से हम जो फ्रंट वाली ये वाली सीट है इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंप्लीट यहाँ पे आपको शॉफर ड्रिवन पैकेज मिलता है मर्सिडीज बेंज ई क्लास में। सो वी कैन एक्सटेंड द लेग रूम एज यू कैन सी। सो दिस इज द लेग रूम एंड ई क्लास बेसिकली प्योर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आपको कार मिलती है। एक्सलेंट ये कंफर्ट ऑफर करती है, बनी ही रियर सीट्स के लिए हुई है। रिक्लाइनेबल सीट्स दी गई है यहाँ पे, हम इसको भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इवन जो हेडरेस्ट है दैट इज ऑल्सो एडजस्टेबल। सो यहाँ से अगर हम एडजस्ट करते हैं हेडरेस्ट, यू कैन सी द हेडरेस्ट इज गेटिंग एडजस्टेड ऑफ दैट सीट। एंड इधर से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। फर्दर मोर यहाँ पे जो ये ऑल फोर कंट्रोल्स दिए गए हैं ये हैं फॉर द ब्लाइंड्स। सो जो सारी ब्लाइंड्स हैं हम उनको यहाँ पे रिट्रैक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दीज ब्लाइंड्स, रियर ब्लाइंड्स एंड इवन जो रियर के यहाँ पे ब्लाइंड्स हैं उनको भी हम ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। एंड AC इज ऑल्सो सुप्रीमली इफेक्टिव। यहाँ पे रियर में 4 AC वेंट्स ऑफर करे गए हैं। बी पिलर पे भी आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। एंड अब चेक करते हैं अदर इंटीरियर में यहाँ पे क्या क्या फीचर्स ऑफर करे जा रहे हैं। सो कुछ ऐसी आपको यहाँ पे कीज़ मिल जाती है, बहुत ही प्रीमियम कीज़ अवेलेबल है। एंड जैसे हम कार को अनलॉक करते हैं विंग मिरर्स ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे। एंड इसके ठीक नीचे यहाँ पे पड लैम्प भी अवेलेबल है, विच इज़ LED पड लैम्प। एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर स्मॉल साइज का, जो कि आपको वाइडर व्यू ऑफर करता है। एंड वी हैव गॉट दिस स्टनिंग एम्बिएंट लाइट एज वेल। एंड जैसे हम पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे यू कैन सी एम्बिएंट लाइट ग्लो कर जाती है। सो दिस इज द कैबिन। इंटीरियर में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम अवेलेबल है विद दिस वुडन ट्रीटमेंट। एंड यहाँ पे आपको ब्लैक एंड बेज इंटीरियर्स भी मिल जाते हैं विद वुडन ट्रीटमेंट। सो ब्लैक लुक कार्पेटिंग, बेज कलर रूफ, दीज आर द रियर सीट्स एंड डुअल स्लाइडिंग पैनोरामिक सनरूफ। एंड सनरूफ आप देख सकते हैं मैक्सिमम इतनी ओपन होती है एंड इट इज क्वाइट वाइड। और ये है ब्लैक कलर की लेदर सीट अपॉल्स्ट्री। सीट्स आर सुप्रीमली कंफर्टेबल। सो यहाँ पे आपको 4-way लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट मिलता है इन द फ्रंट सीट्स
एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो कुशन एक्सटेंशन अवेलेबल है विच इज़ मैनुअल कुशन एक्सटेंशन. सो यहाँ पे मर्सिडीज बेंज की बाजिंग, यहाँ पे आपको कंप्लीट फुटवेल पे एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, ये है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स, और ये है कैबिन की इल्यूमिनेशन को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए, एंड दीज आर द फ्रंट सीट्स. एंड यहाँ पे आपको एक सेफ्टी लैम्प एंड कर्सी लैम्प मिल जाता है. सो रिफ्लेक्टर एंड लैम्प दोनों ही अवेलेबल है. यहाँ से हम बूट को ओपन कर सकते हैं. एंड यहाँ पे जो भी आपको मटेरियल मिलता है इट इज़ कम्प्लीट लेदर, बहुत ही सॉफ्टेस्ट मटेरियल यहाँ पे यूज़ करा गया. यहाँ पे भी कम्प्लीट लेदर वुडन ट्रीटमेंट, और यहाँ पे ट्विटर अवेलेबल है, यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा, एंड दीज कंट्रोल्स आर फॉर द फ्रंट सीट्स. सो कुछ ऐसे हम यहाँ पे सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो हेडरेस्ट है वो हम एडजस्ट नहीं कर सकते. हेडरेस्ट को हमें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा. कुशन एक्सटेंशन को भी इस मॉडल में आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा. अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं देन हम जो लेफ्ट साइड वाली सीट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम दीज कंट्रोल्स ओनली. सो अगर मैं इसको प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड वाली सीट है वो एडजस्ट हो रही है. एंड दीज आर पावर विंडो कंट्रोल्स, और यहाँ पे विंग मिरर कंट्रोल्स, लॉक एंड लॉक स्विच, बहुत ही हाई क्वालिटी प्रीमियम मटेरियल्स का यहाँ पे यूज़ करा गया है. यहाँ पे सिल प्लेट विच इज़ नॉट इल्यूमिनेटेड इन दिस वेरिएंट. एंड अब चेक करते हैं अदर फीचर्स. सो इसको क्लोज कर देते हैं. स्टीयरिंग व्हील आपको बहुत ही फैबुलस यहाँ पे मिलता है. यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स अवेलेबल है, वी हैव गॉट दिस गियर सिलेक्टर, यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रीमियम फिनिश. यहाँ पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं दे ऑल्सो हैव अ वेरी प्रीमियम फिनिश. लेफ्ट साइड जो कंट्रोल्स मिलते हैं दे आर फॉर दिस ऑडियो सिस्टम. सो आपको अपर थ्री कंट्रोल्स मिलते हैं ऑडियो सिस्टम के लिए, उसको आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से भी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, इवन टच स्क्रीन भी दिया गया है. सो मल्टीपल वेज टू कंट्रोल. और यहाँ पे जो अपर थ्री कंट्रोल्स मिलते हैं दे आर फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड कंट्रोल्स. सो स्टीयरिंग व्हील इज एडजस्टेबल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, बट मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है आपको यहाँ पे. सो ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो स्क्रीन है वो आपको इंटर कनेक्टेड मिलती है, एंड इट इज़ लुकिंग फैबुलस. यहाँ पे आप देखेंगे तो बिग साइज का स्पीकर दिया गया है, देन यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश, एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. सो बेसिकली ये नेविगेशन इन्फॉर्मेशन शो करेगा, देन मीडिया इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डिस्प्ले होती है, टेलीफोन इन्फॉर्मेशन असिस्टेंस यानी कि अटेंशन असिस्ट, देन यहाँ पे आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, सारे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होता है, डिजिटल लाइव स्पीड, डिस्टेंस टू एमटी, कंजम्पशन, इको स्कोर, रेडियो, मीडिया इन्फॉर्मेशन, सर्विस रिमाइंडर. यहाँ पे आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्लासिक डिस्प्ले, देन वी हैव गॉट स्पोर्ट डिस्प्ले, यानी कि इसके हिसाब से ये भी कॉन्फिगर हो जाता है, यानी कि दोनों ही स्क्रीन्स एक साथ कॉन्फिगर हो जाती हैं. एंड स्पोर्ट के बाद यहाँ पे आपको प्रोग्रेसिव एंड अंडरस्टेटेड भी मिल जाती है. सो यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं कि नेविगेशन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो तो वो भी आप करवा सकते हैं, जी फोर्स मीटर एंड यहाँ पे इंजन ऑयल टेम्परेचर एंड सो ऑन, यहाँ पे सब कुछ गाइस डिस्प्ले होता है. और ये है इन्फोटेनमेंट यूनिट. सो आपको यहाँ पे टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, ये सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर 3D नेविगेशन मिल जाती है. फर्दर मोर देर आर लॉट ऑफ सेटिंग्स जो कि हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इवन जो कार के थीम्स है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. सो बेसिकली एम्बिएंट लाइट का कलर हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कार का वैसे मोड सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से भी एम्बिएंट लाइट का जो कलर है वो सेट हो जाता है. सो 64 कलर एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है, मल्टी कलर भी आप ऑप्ट कर सकते हैं. सो मल्टी कलर लाइट भी आपको यहाँ पे ऑफर करी जा रही है, एंड देन वी कैन एडजस्ट द ब्राइटनेस. सो फ्रंट की, रियर की, डिस्प्ले की ब्राइटनेस आपको कितनी चाहिए वो सब आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे आपको जनरल इंफॉर्मेशन मिल जाती है. सो यहाँ पे आपको व्हीकल डेटा मिल जाता है, गैस परसेंटेज, ब्रेक परसेंटेज, यहाँ पे टायर डायरेक्शन डिस्प्ले कितने डिग्रीज टायर यहाँ पे जो है रोटेट हो रहा है, देन यहाँ पे इंजन इंफॉर्मेशन, रियल टाइम पावर फिगर, टॉर्क फिगर, बैटरी वोल्टेज, एंड देन यहाँ पे इंजन ऑयल टेम्परेचर भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है, कंजम्पशन इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे यूज़र मैनुअल और मर्सिडीज मी कॉल एंड ऐप. दिस इज़ बेसिकली कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, कार की जो है यहाँ पे मर्सिडीज मी ऐप से आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, सारे कनेक्टेड कार वाले यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाते हैं,
वाइकल अलर्ट एंड सो ऑन। यहाँ पे जनरल बेसिक सेटिंग आपको मिल जाएगी, ESP को यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, असिस्टेंट सेटिंग, सो कैमरा, ब्रेक असिस्ट, यानी कि कब आपको वार्निंग मिलेगी, जो फ्रंट में कार है उसकी वार्निंग, जो फ्रंट में सेंसर्स है वो आपको वार्निंग देते हैं उसकी, आप यहाँ पे वार्निंग की वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, अटेंशन असिस्ट, एंड देन यहाँ पे व्हीकल सेटिंग, सो डायनामिक सेलेक्ट एंड इंडिविजुअल मोड्स के अलावा गाइज यहाँ पे आपको स्पोर्ट मोड भी मिल जाता है एंड कंफर्ट मोड भी अवेलेबल है एंड वी हैव ऑल्सो गॉट इको मोड। सो यहाँ पे विंटर टायर्स, एकोस्टिक लॉक, यहाँ पे लाइट्स की सेटिंग, बेसिक लाइट, कैम्बिन लाइट की सेटिंग मिल जाती है जो कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं एंड देन यहाँ पे एक्सटीरियर लाइट की सेटिंग मिल जाती है गाइज कितनी आप यहाँ पे फॉलो ह्यूमन लिबर्टी द व्हीकल फंक्शन जो है उसको कितने सेकंड आप चाहते हैं, तो एक्सटीरियर लाइट जब आप कार को अनलॉक करेंगे तो ये कितने सेकंड तक ऑन रहेगी वो आप सेट कर सकते हैं, देन इंटीरियर लाइट, सराउंड लाइट्स एंड सो ऑन, इसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ रियली वेरी नाइस, बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ टच स्क्रीन एज वेल एंड हम कई जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से भी एंड इधर कंट्रोलर से भी। सो यहाँ पे आपको 4 AC vents मिल जाती हैं, यहाँ पे सिंगल AC vent, वहाँ पे भी आपको सिंगल AC vent मिल जाएगा, दीज कंट्रोल्स आर फॉर AC। सो ई क्लास में ऑफर करा गया 3-zone फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम और यहाँ पे आपको कुछ मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, नेविगेशन एंड सो ऑन, यहाँ पे हम इजीली से एक्सेस कर सकते हैं एंड दिस इज़ द फेवरेट टैब, फेवरेट आप यहाँ पे सेटिंग अपनी कर सकते हैं, देन वी हैव गॉट दिस स्पेस। सो यहाँ पे आपको बेसिकली गाइस वायरलेस चार्जर नहीं मिलता बट यहाँ पे एक सी टाइप पोर्ट दिया गया एंड दिस इज़ सिगरेट लाइटर और यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर स्पेस मिल जाता है विच इज़ एल्यूमिनेटेड, सो वी हैव गॉट ब्लू एल्यूमिनेशन जो कैम्बिड लाइट के कलर के हिसाब से आ जाएगी, यहाँ पे हम कीज प्लेस कर सकते हैं एंड दिस इज़ द कंट्रोलर फॉर द इंफोटेनमेंट यूनिट। यहाँ से गाइज हम इंफोटेनमेंट यूनिट को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं एंड देन यहाँ से जो रियर सन ब्लाइंड है उसको हम रिट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये है डायनामिक सेलेक्ट विच इज़ ड्राइव मोड सिलेक्शन, यहाँ से हम पार्किंग सेंसर्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, दिस इज़ फॉर कैमरा। सो बेसिकली गाइज यहाँ पे आपको रियर में कैमरा मिल जाता है, वाइड व्यू एंड नैरो व्यू, ऑल 4 sensors अवेलेबल हैं एंड देन गाइज यहाँ पे सेमी ऑटोनॉमस पार्किंग सिस्टम भी मिलेगा तो कार ऑटोमेटिकली पार्किंग स्लॉट फाइंड करेगी, अगर वो स्लॉट परफेक्ट रहेगा तो ऑटोमेटिकली पार्क हो जाएगी कार, स्टीयरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली मनूवर होता है एंड कार पार्क हो जाती है विच इज़ सुपर ईजी एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, इसको भी हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, दिस इज़ फ्रंट आर्मरेस्ट, बिग साइज स्टोरेज एरिया, यहाँ पे भी आपको सी टाइप पोर्ट मिल जाता है एंड दिस एरिया इज़ इल्यूमिनेटेड, सो अगर हम यहाँ पे इसको कीज़ को ऐसे रखते हैं तो आप देख सकते हैं दिस एरिया इज़ इल्यूमिनेटेड। सो अटेंशन डिटेल यहाँ पे काफ़ी एक्सेलेंट अवेलेबल है एंड देन यहाँ पे लॉकेबल ग्लव बॉक्स ऑल्सो हैज़ इल्यूमिनेशन। एंड यहाँ पे वैनिटी मिरर विद लैम्प, सेम गोज विद हेयर और यहाँ पे फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM एंड यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं गाइस। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो कंट्रोल्स दिए गए हैं दीज कंट्रोल्स, सो यहाँ से जो रीडिंग लैम्प है वो टर्न ऑन हो जाते हैं जो कि इसके नीचे दिए गए हैं विच इज़ क्लेवर टच एंड यहाँ से हम ये रीडिंग लैम्प्स को ऑन कर सकते हैं, कैबिन लैम्प्स आर सुपर ब्राइट, यहाँ से रियर के जो रीडिंग लैम्प्स हैं उनको भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं एज यू कैन सी एंड दिस इज़ मर्सिडीज मी कॉल विच इज़ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी एंड दिस इज़ SOS स्विच और यहाँ पे सनग्लास होल्डर अवेलेबल है एंड गाइज यू कैन लुक एट द कैबिन इज़ लुकिंग अमेजिंग एंड अब चेक करते हैं रियर सीट्स, सो सॉफ्ट डोर क्लोज एंड रियर सीट्स के लिए ही बनी है दोस्तों ई क्लास, सो ई क्लास में अगर आपको सारा कम्फर्ट चाहिए तो यू शुड बी ऑन द रियर सीट्स ओनली एंड आप देख सकते हैं जो सिल प्लेट भी है वो भी इवन एल्यूमिनेट दी गई है, रियर में फ्रंट में आपको नहीं मिलती। सो दीज आर द रियर सीट्स, 3 adjustable यहाँ पे हेडरेस्ट ऑफर करी गई है, हेडरेस्ट आर सुपर कम्फर्टेबल, आप देख सकते हैं कम्प्लीट कुशन दिया गया है वहाँ पे भी एंड यहाँ पे सेंटर में हेडरेस्ट एंड दिस इज आर्म रेस्ट, कम्प्लीट लेदर फिनिश, वुडन फिनिश, एक्सलेंट फिट एंड फिनिश क्वालिटी, यहाँ पे कुछ स्पेस एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ट्विन सी टाइप USB पोर्ट मिल जाता है एंड
फर्दर मोर फ्रंट सीट्स के बैक में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस दी गई है फॉर द रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम, जो कि आप एज एन एसेसरी इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको हेडरेस्ट एडजस्ट करने का बटन मिल जाता है, और यहाँ पे ग्रॉसरी हुक बी पिलर पे आपको एसी वेंट्स मिलेंगे, सेंटर में भी एसी वेंट्स अवेलेबल है, रियर में भी 4 एसी वेंट मिलते हैं, फ्रंट में आपको 6 एसी वेंट मिलते हैं। एंड दिस इज़ द रियर डोर, यहाँ पे कर्सी लैम्प एंड रिफ्लेक्टर, देन यहाँ पे बॉटल होल्डर्स, स्पीकर, एंड यहाँ पे भी कंप्लीट लेदर फिनिश, एम्बिएंट लाइट। एंड गाइस यहाँ पे आपको 3 मेमोरी फंक्शन मिलते हैं रियर सीट्स में, आप देख सकते हैं वहाँ पे भी दिए गए हैं। कंप्लीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलेगी, इवन जो हेडरेस्ट है हम उसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन सी जो हेडरेस्ट है उसकी भी हम यहाँ पे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। कंप्लीट रिक्लाइनेबल सीट्स अवेलेबल हैं, सो इट इज़ रियली नाइस। एंड यहाँ पे एक कंट्रोल आपको एक्स्ट्रा मिलता है विच इज़ दिस वन, जो कि वहाँ पे नहीं दिया गया। सो बेसिकली इसको आप प्रेस करके जो ये फ्रंट वाली सीट्स हैं इनको हम आगे कर सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट एक्स्ट्रा लेग रूम। रियर में भी जो आपको यहाँ पे लैम मिलते हैं, यानी कि फुटवेल लैम मिलते हैं, दैट विल हैव सेम एम्बिएंट लाइट कलर। और गाइस यहाँ पे जो ये 4 कंट्रोल्स दिए गए हैं, सो बेसिकली ये 2 जो हैं वो पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, इस पावर विंडो के कंट्रोल एंड उस पावर विंडो के कंट्रोल। सो फर्स्ट टाइम इसे प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सनशेड है वो डाउन होगा, सेकेंड टाइम पावर विंडो, एंड सेम गोज विद दैट ऑल्सो। सो फर्स्ट टाइम ये रोल अप होगा, देन जो सनशेड है वो रोल अप हो जाता है, एंड इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं जो उधर वाला सनशेड है वो डाउन हो जाएगा, एंड इसको अगर हम ऐसे प्रेस करेंगे तो जो रियर सन ब्लाइंड है वो डाउन हो जाता है, एंड अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं जो सन ब्लाइंड हैं सनरूफ के वो ओपन हो जाते हैं। सो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, सेम कंट्रोल्स गाइस वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। सो इसको क्लोज कर देते हैं, सो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, एंड यहाँ पे मैगजीन एंड न्यूज़पेपर पॉकेट, सेंटर में एसी वेंट्स, एंड गाइस इवन यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर भी एडजस्ट करते हैं, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, इंक्रीज़ आप करेंगे तो रेड हो जाएगा, डिक्रीज़ करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। सो एक्सलेंट अटेंशन टू डिटेल ऑफर करी गई है, एंड सेम गोज विद हेयर, आप इंक्रीज़ करेंगे यानी कि टेम्परेचर को आप यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं वो रेड कलर की होगी लाइट, डिक्रीज़ करेंगे ब्लू लाइट। और यहाँ पे सिंगल बॉटल होल्डर स्पेस विच इज़ एल्यूमिनेटेड एंड ट्विन सी टाइप पोर्ट्स, और ये सेंट्रल कंसोल काफ़ी एक्सेलेंट लुक ऑफर कर रहा है, और ये है डैशबोर्ड की लुक। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रीडिंग लैंप्स ऑफर करे गए हैं, सो यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे आपको एक कोट हैंगर मिलता है, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल आपको मिलती है, सॉफ्ट टच यहाँ पे कोट हैंगर, एंड दिस इज़ रीडिंग लैम्प, और अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो सारी लैंप्स ऑन हो जाते हैं। सो इवन यहाँ पे भी आपको 2 वैनिटी मिरर मिलेंगे रियर में, यहाँ पे लैम्प है, सो यहाँ पे भी आपको लाइट मिलती है, और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी इवन लाइट अवेलेबल है। सेम गोज विद हेयर, एंड यहाँ पे एक मैनुअल सन ब्लाइंड भी अवेलेबल है ऑन द क्वार्टर ग्लास। ये डैशबोर्ड, सो कैसी लगी आपको मर्सिडीज बेंज ई क्लास, अपने थॉट्स जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, एंड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं।